हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे थर्ड सेमेस्टर में किस तरह से हम लोग मार्क्स ग्रो करें, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में मार्क्स को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो अभी अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकेंड ईयर में आए हैं, थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, उनको इस सेमेस्टर में बहुत सारे पेपर आपको ब्रांच पेपर मिलेंगे। जैसे ब्रांच पेपर कहने का मतलब, थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का क्या है, थर्ड सेमेस्टर में पांच पेपर है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट वन और सी लैंग्वेज और इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग करके, ये आपका क्या है, पेपर है। तो थर्ड सेमेस्टर के जितने सारे भी स्टूडेंट हैं, इन सभी को आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं। सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो आपका स्वागत है सेकेंड ईयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आपके अपने ब्रांच से रिलेटेड, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही जिज्ञासा होती है अंदर से अपने ब्रांच से रिलेटेड पेपर को पढ़ने में और उसके बारे में जानने के लिए। तो आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा आपका ये जो चार पेपर है, मेनली रूप से अगर देखा जाए तो ये चार पेपर जो है ये आपके क्या है, ब्रांच से रिलेटेड पेपर है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट वन और सी लैंग्वेज और इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप लोग इस सेमेस्टर में अपने नंबर को कैसे स्कोर ज्यादा से ज्यादा ला सकते हो, जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे करना चाहते हो। तो चलिए आइए, उससे पहले हम लोग एक और आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी है जिसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो इस हैप्पी न्यू ईयर 2021 में आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है। बैच स्टार्ट होने वाला है, इसमें क्या है, ऑफलाइन क्रैश कोर्स। इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। किसके लिए है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्पेशल बैच है द पॉलिटेक्निक क्लासेस की ओर से, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ओर से है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ओर से है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल ऑफलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें क्या है, तो ये बैच स्टार्ट है 2 जनवरी 2021 से ये आपका स्टार्ट होने वाला है। देखिए आप लोग 1 जनवरी में इधर उधर कहीं पे भी रहिएगा, अगर आप लोग क्रैश कोर्स में आना चाहते हैं तो 2 जनवरी के दिन आपको सुबह सात बजे द पॉलिटेक्निक क्लासेस में हाजिर होना पड़ेगा। इसका एड्रेस कहाँ है, तो आपका गया जो बाईपास रोड है, बाईपास बोध गया रोड है, उसी में आपको एक बुद्धा अपार्टमेंट है, बुद्धा अपार्टमेंट के जस्ट सामने और महाराजा रेस्टोरेंट के बगल में लक्ष्य शिक्षण संस्थान है, उसी में आपको आपका क्लास चल रहा है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस वहीं पे आपका चल रहा है। तो आप लोग को मैं फिर से बता देता हूं कि 1 जनवरी के दिन कहीं पे भी रहिए, 2 जनवरी आपके लिए खास है, स्पेशल है और द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए भी खास है, तो उस दिन आप लोग जरूर से जरूर आए, 2 जनवरी 2021 के दिन सुबह 7 बजे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फी आपका कितना लगेगा, तो फी पर पेपर, एक सब्जेक्ट आप करना चाहते हो तो 349 रुपया पर पेपर के हिसाब से आपका लगेगा, और अगर आप डाउन पेमेंट में एक टाइम में ऑल पेपर का फी जमा करना चाहते हो तो उसमें 1499, कहने का मतलब 1500 रुपया आपका लगेगा, ठीक है। तो ये आपका फी डिटेल हो गया, और एड्रेस आप लोगों ने जान ही लिया है, बुद्धा अपार्टमेंट के सामने बोध गया बाईपास रोड, बुद्धा अपार्टमेंट के सामने और महाराजा रेस्टोरेंट के बगल में लक्ष्य शिक्षण संस्थान में आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस चल रहा है। तो हाँ, यहाँ पे मेन फैक्ट क्या था, तो मेन फैक्ट ये था कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोग नंबर कैसे इंक्रीज करें। तो देखिए एक्सटर्नल एग्जाम की बात किया जाए तो एक पेपर 70 नंबर का होता है और 5 पेपर टोटल मिला करके देखा जाए तो 350 नंबर का। तो इन 350 नंबर में हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाया जाए, तो देखिए ये नंबर कहाँ से आते हैं, तो ये नंबर आपके इन्हीं 5 सब्जेक्ट से आते हैं। तो देखिए इन 5 सब्जेक्ट से आते हैं तो एक पेपर में 70 नंबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन 5 पेपर पे क्या करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा, जो कि न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो नए नए स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बिहार बोर्ड से आते हैं, उनको जब ये पेपर में पढ़ने के लिए, ये सारे पेपर पढ़ने के लिए जो जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना है, नहीं कभी जाना है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे हिंदी से इंग्लिश बनाने में, और भी इंग्लिश को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे समझा जाए, तो
तो इन सारी दिक्कतों को ही सोल्व करने के लिए आपके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऑफलाइन क्रैश कोर्स लाया है। इस क्रैश कोर्स में ये नाम का क्रैश कोर्स है, पर इसमें आपको क्या बताया जाएगा, तो ऑल टू ऑल पेपर का फुल डिटेल बताया जाएगा। फुल डिटेल कहने का मतलब आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस में कैसे उसको कवर करना है, और उसको अगर आपको इंग्लिश ना भी आ रहा हो तो उसको कैसे हिंदी इंग्लिश करके आपको डील करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि वो पहली बार इंग्लिश मीडियम में आते हैं। कहने का मतलब जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो उनको शुरुआती समय में बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था। कहने का मतलब उनको हिंदी लाइक ऐसे बताया जाएगा कि हिंदी में इसको कैसे डील करना और उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको सिखाया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही मस्ट है, क्योंकि यही बातें ना होने के कारण से आपके क्या होते हैं, नंबर कम आते हैं सेमेस्टर में, नंबर कम आते हैं। और नंबर कम आने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो उन्हीं सारे प्रॉब्लम को आपको सोल्व किया जाएगा। और ये आपको सोल्व करके इन 350 नंबर में 300 प्लस स्कोर कैसे करना है ये बताया जाएगा। तो देखिए इस ये तो थर्ड सेमेस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। ये जो थर्ड सेमेस्टर है वो क्या है, आपका फर्स्ट स्टेज है। कहने का मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, बेसिक है आपका, आप फर्स्ट हो, छोटे स्टूडेंट, जैसे हम लोग कैसे 10+2 ग्रेजुएशन बैकग्राउंड जाते हैं, तो क्या होता है, बेसिक जो होता है हमारा 10th तक होता है। सेम टू सेम उसी तरह से इस डिप्लोमा के 3 ईयर डिप्लोमा में आपका जो बेसिक है, आपके ब्रांच का जो बेसिक है, वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है इन चार पेपर में से। इसको अगर छोड़ दिया जाए, ये क्यों, क्योंकि ये सी लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसको अगर हटा दिया जाए, जो बाकी जो पेपर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 1 और इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, ये तीनों जो है आपके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कोर पेपर है। इसी पे आपका क्या है, पूरा का पूरा सेमेस्टर डिपेंड करेगा, जो कुछ भी आप आगे पढ़ोगे सब में यही यूज होगा। आप मैंने इसके पहले वाला वीडियो में भी बताया था, ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एबीसीडी है। जैसे हमको इंग्लिश पढ़ने से पहले एबीसीडी आना चाहिए कि नहीं, हिंदी पढ़ने से पहले हमको क ख ग घ आना चाहिए, उसी तरह से हमको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना है तो हमको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए। और यही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पढ़ना है, आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। अब बताइए, आप अभी थर्ड सेमेस्टर में अपना एबीसीडी नहीं मजबूत करिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो बताइए आपका फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर कैसा रहेगा। तो आज नहीं मेहनत कीजिएगा, आज नहीं पढ़िएगा, तो फिर अगले वाले सेमेस्टर में आप ही को परेशानी होगा। यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट को, अपने सीनियर को आप लोगों ने देखा होगा कहते सुनते कि नहीं समझ में आ रहा है। मेन प्रॉब्लम यही होता है। तो क्या है, तो जो आपको थर्ड सेमेस्टर में बेसिक्स पढ़ने हैं वो आप जानते नहीं हो। अभी देखा होगा कि यहाँ पे मेजरमेंट 2 लिखा हुआ था, जिसको मैंने सुधार करके मेजरमेंट 1 कर दिया। तो ये देखिए, वो जो मेजरमेंट 2 लिखा हुआ था वो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, और अभी अगर आप मेजरमेंट 1 थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ोगे तभी वो मेजरमेंट 2 आपको समझ में आने वाला है। तो हुआ ना ये बेसिक एबीसीडी हुआ ना, यहाँ नहीं पढ़ोगे मेजरमेंट 1, प्रॉब्लम फिफ्थ में होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, ये जो पेपर है बाबू, ये जो पेपर है ना, समझो कि क्या है, तो A to Z सेमेस्टर में जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सर्किट पढ़ना है, जो भी सिंबल पढ़ना है, जो भी ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है, वो सारा का सारा, जो आपको माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चरल डायग्राम, पिन डायग्राम वगैरह, ये सब जो भी पढ़ना है वो सारा इसमें मिलेगा आपको। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स सिंबल के बारे में पढ़ना है, सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ना है, और पिन डायग्राम, माइक्रो प्रोसेसर से जो भी पिन डायग्राम है वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए फिर से कहता हूँ कि आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो, आप लोग 1-2 दिन जरूर आकर के क्लास करो। आप वहां पे आओगे, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ना तो उनको कोई बताने वाला होता है, ना ही सीनियर से वो गाइडलाइन ले पाते हैं। कोई सीनियर है भी तो, अवेलेबल है भी तो, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन ही सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऑफलाइन क्रैश कोर्स में आपका स्वागत करता है। तो आप 2 जनवरी 2021 के दिन आए, सुबह 7 बजे आए, उस दिन आपके लिए एक खास प्रोग्राम भी है।
क्यों? क्योंकि 2 जनवरी द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए स्पेशल डे है और उस दिन आप लोगों का स्वागत है। आप लोग क्रैश कोर्स में आइए, आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को ये पांचों पेपर को इस तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा कि आप इसमें हाई से हाई स्कोर कर सकते हो। कहने का मतलब 70 में 60 प्लस स्कोर कर सकते हो, 60 प्लस स्कोर कर सकते हो, और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो 65 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग आपको ये बताएंगे कि आपको मेहनत क्या करना है और किस वे में करना है। जैसे बहुत सारे न्यू स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि हम पढ़े क्या, क्या इसमें से पढ़े, क्या क्वेश्चंस में आता है, क्या सेमेस्टर एग्जाम में आता है, तो उन्हीं सब की तैयारी आपको कराई जाएगी और अच्छे तरह से कराई जाएगी। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में कराई जाएगी और उससे हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट भी दिए जाएंगे, आपको पैकेज वगैरह ये सब सारी की सुविधा दिया जाएगा। तो आप लोग का बहुत ही ये सारा पेपर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए थर्ड सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा ये खास होता है। तो आप लोग का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए।